हेलो एवरीवन। तो आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू माय प्यारे प्यारे व्यूअर्स। एंड मैं बना रही थी अपना हेयर स्टाइल, मेकअप मैंने कर लिया था, बहुत ही सिंपल वे में किया था, और मेकअप कंप्लीट होने के बाद हेयर स्टाइल बना रही थी। बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा हेयर स्टाइल करूँ, तो मैं पहले इस तरीके से कर रही थी। फिर मुझे कुछ जचा नहीं है, क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है और इस तरीके से मेरा फोरहेड खिंच जा रहा था। तो जिसका छोटा फोरहेड है ना, वो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल कर सकते हो अपने फेस पे, काफ़ी प्यारा लगेगा। बट मेरे पे भी अच्छा लगता, बट मुझे ओपन हेयर रखना नहीं था, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे और ड्राई हो गए हैं, जिसकी वजह से बाल अच्छे नहीं लग रहे थे ओपन रखने के लिए। तो बाल जब हेल्दी हो जाएंगे, जब भी ये वाला हेयर स्टाइल कर सकते हो, जिनके बाल काफ़ी अच्छे हैं, लंबे घने हैं, खूबसूरत हैं, वो इस तरीके से ट्विस्टिंग करके बैक में पिनअप कर सकते हो, जिससे कि आपके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे और स्टाइलिश लगेंगे। बट छोटे बालों पे, छोटे हों बट घने हों तो अच्छा लगेगा, बट अगर झड़ भी रहे हैं, पतले भी हो गए हैं, तो इस तरीके का लुक आप जूड़े के साथ कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको रहने दो। एंड हम लोग बनाएंगे एक प्यारा सा बन हेयर स्टाइल, तो उसके लिए मैं कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल बनाऊंगी। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो इस तरीके से मैंने बालों को कॉम किया हुआ था, एंड मैंने फर्स्ट जो ट्विस्टिंग मैं कर रही थी उसको मैंने छोड़ दिया है। एंड यहाँ पे मैं पिन वगैरह ढूंढ रही थी, डोनट बन अपना ढूंढ रही थी, तो डोनट बन की जगह मैंने क्लिप ले लिया था। एंड इस वाले हेयर स्टाइल में आपको एक डोनट बन की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाल पतले हल्के छोटे हैं, वो हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। आज दिवाली का दिन है, तो दिवाली पे मैं इस तरीके का हेयर स्टाइल बना रही हूँ, इसका मतलब आप इसको फेस्टिव में, वेडिंग सीजन में भी आप इसको बना सकते हो, शादी में साड़ी पहन रहे हो। तो अगर आपको बन समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये वाला बन ट्राई कर सकते हो। देखो इस तरीके से फ्रंट से मैंने मांग निकाली है, बट बैक से कुछ इस तरीके से हेयर को लेना है, एंड फ्रंट से इस तरीके से हेयर को छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा जो बीच की मांग निकाल के फ्रंट से ईयर टू ईयर पार्टीशन करके बालों को छोड़ देंगे। बैक से कुछ इस तरीके से पकड़ना है, हल्का सा आगे की तरफ पुल करेंगे और हल्का सा एक पफ आ जाएगा बालों में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिप निकाल रही हूँ, 4-5 क्लिप अच्छे से लगा लेंगे, जिससे कि हमारा पफ जो है वो बाद में पिचक ना जाए एंड लुक खराब ना हो जाए हेयर स्टाइल का। और ये ब्लाउज भी मैंने खुद से सी लिया, अगर आपको स्टिचिंग जाननी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको। तो 4-5 क्लिप मैंने यहाँ पे निकाली थी, एंड बालों में लगाना है, खुद से निकाली, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्लीज डोंट माइंड गाइस। तो इस तरीके से क्लिप को लगाएंगे, 4-5 क्लिप ऐड कर लीजिएगा, ताकि जिससे कि आपका जो पफ है वो अच्छे से अपनी जगह पे टिका रहे और बाद में जब कॉम करो तो पीछे की तरफ सरके नहीं। तो हाथों से इस तरीके से बालों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, जिससे कि पफ जो है हमारा वो अपनी जगह पे रहे। अब यहाँ से इस तरीके से बालों को लेंगे एंड बैक में ले जाएंगे, जहाँ पे हमने क्लिप लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर। ओके, आप ऐसे भी लगा सकते हो, और अगर ऐसे नहीं लगाना है तो आप पहले इस तरीके से, मैंने सोचा इस तरीके से ओपन रख लूँ, बट ओपन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने जूड़ा बना लिया था, क्योंकि बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ने की वजह से ख़राब हो गए थे। अभी तो सही है, बट बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हुआ बीच में, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो गए, पतले हल्के भी हो गए हैं। तो इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करेंगे एंड क्लिप के ऊपर लेके जाएंगे एंड क्लिप लगा देंगे इस तरीके से। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करेंगे। इसके बाद आप खुला रख सकते हो, अगर आपके बाल सही हैं, हेल्दी हैं, छोटे हैं बट हेल्दी हैं, तो दूसरी साइड से भी अच्छे से कॉम करेंगे। अगर आपके बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप सेटिंग स्प्रे ले सकते हो, उसको कॉम पे मारना है और कॉम कर लेना है, तो आपके जो बेबी हेयर्स हैं वो चिपक जाएंगे और आपका हेयर स्टाइल जो है वो मैनेजेबल दिखेगा काफ़ी अच्छा। अब मैं यहाँ पे क्लिप ले रही हूँ और क्लिप लगा दूंगी। ओके, अब उसके बाद से हम लोग बनाएंगे बन। यहाँ पे बन बनाने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली सारे बालों को एक साथ इकट्ठा करना है और पोनी बना लेनी है। पहले दोनों साइड से क्लिप अच्छे से लगा देंगे, ताकि जो पफ है हमारा वो बिगड़े नहीं और हमारा हेयर स्टाइल जो है वो अच्छे से टिका रहे। तो इस तरीके से लगा लिया मैंने, आप चाहो तो ऐसे खुले भी रख सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बट अगर आपको खुले नहीं रखने हैं तो आपको क्या करना है वो आप इस वीडियो में देखते रहिए।
वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे बाल हेयर फॉल हो गए थे तो मैंने उसको साइड में रख दिया है। एंड इस तरीके से बालों को पकड़ूंगी और यहाँ पे लगाऊंगी एक रबड़ बैंड। तो मेरा एक साइड का जो हेयर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल लुक नहीं आ रहा था, बट क्या कर सकते हैं, वैसे ही बनावट है तो फेस की। और ये जो पीछे मंदिर दिख रहा है ये मैंने अभी खरीदा था मंदिर, तो मैंने रबड़ ले लिया है और सारे बालों को इस तरीके से कॉम करके एक पोनी बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने पोनी बना ली है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक डोनट बन। तो देखिए इस तरीके से पोनी बना ली है, तो ये मैंने डोनट ले लिया है। डोनट को लगा के तुरंत आपको रबड़ नहीं लगाना है, आपको डोनट को पहले अच्छे से होल्ड करना है। चार यूपिन्स लगेंगे, चारों तरफ से यूपिन लगाना है, ऊपर नीचे और दोनों साइड में। इस तरीके से ऊपर लगा लिया है और इस तरीके से साइड में दोनों साइड से लगा लेना है और नीचे की तरफ भी आप इस तरीके से बालों को ऊपर करके नीचे की तरफ भी एक यूपिन लगा लीजिएगा। सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए। अब आधे आधे बालों को ऊपर की तरफ फैलाएंगे और डोनट बन को अच्छे से हाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से, और एक पतला रबड़ बैंड लेके यहाँ पे लगा देंगे। तो एक पतला रबड़ बैंड मैंने यहाँ पे लिया है और इस तरीके से लगा दिया। अब बाकी सारे बालों को इस तरीके से एक साइड से लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ से लगाते हुए और यूपिन से इसको सिक्योर कर देंगे। जैसे हमने जो यूपिन लगाया था ना पहले, उसकी वजह से हमारे जो बन का लुक है वो काफी प्यारा आएगा। अगर आपने यूपिन नहीं लगाया होता तो जो ये हम लोग ऊपर से हेयर को लपेट रहे हैं वो डोनट बन के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ही बेकार दिखता है। इसीलिए आपको यूपिन हमेशा लगाना है, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल का लुक है वो बिल्कुल परफेक्ट आए और जैसा आपको चाहिए था बन वैसा ही बन के यहाँ पे रेडी होगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा, इतने पतले छोटे हल्के बालों में आप काफ़ी प्यारा सा बन बना सकते हो साड़ी के लिए, लहंगे के लिए और वेडिंग सीजन के लिए। इसको आप थोड़ा सा गजरे से और फ्लावर वाले यूपिन से डेकोरेट करोगे तो कमाल का बन आपको बन के दिखाई देगा। तो ये था मेरा फाइनल लुक हेयर स्टाइल का। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़े यूपिन अच्छे से लगा लूँ ताकि ये दिवाली का पूरा टाइम इसी बन के साथ निकालना है। तो ये देखिए काफ़ी प्यारा सा हेयर स्टाइल, बिल्कुल मैनेजेबल हमारा हेयर लग रहा है, जितने कि मेरे हैं नहीं लेकिन हेयर स्टाइल बनने के बाद काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से मैं तैयार हुई थी। तो आई होप कि आपको हेयर स्टाइल पसंद आया हो। अभी जाना नहीं है, थोड़ा सा दिवाली का जो मैंने जिस तरीके से पूजा वूजा किया था वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिल रही हैं, तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिए। तो ये था मेरा फाइनल लुक एंड यहाँ पे मैंने इस तरीके से पल्लू रखी थी पूजा करते टाइम और दिए जला रही थी यहाँ पे मैं। तो बीच में जो था इस तरीके का दिया था। सारे गेट के द्वार पे रख दी थी, पार्लर में रख दी थी, ठीक है, खिड़की का पर्दा और पांच सात दिए मैंने बड़े बड़े लिए थे, बाकी सारे छोटे छोटे थे। एंड प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था, फिर मैं लक्ष्मी जी के पास सारे दियों को रखूंगी एंड सारे घरों में छत पे हर जगह दिए लगाएंगे, मोमबत्ती लगाएंगे। मैंने अपने बेटे को एक दिया दे दिया था कि सब जगह बेटा धीरे धीरे लगा दो सारे दिए। और ये वाला दिया मैंने रखा था ऊपर। यहाँ पे मैंने मंदिर के पास ये वाला दिया रख दिया था।
और बहुत सारे दिए हमने जलाए, पूरे घर में लगाया, मिठाई वगैरह चढ़ा दी थी। एंड ये दिए लगा लगा के मैं दे दी थी अपने बेटे को, अपनी बेटी को, ताकि सब जगह लगा दे ये लोग। तो इस तरीके का मंदिर मैंने आज ही, मैं धनतेरस के दिन ये मंदिर लेके आई थी, और आज से ही पूजा स्टार्ट हुई है मंदिर में। और दिवाली पे ये गिफ्ट दिया था मेरी फ्रेंड ने मुझे, मिठाई दिए थे, गिफ्ट दिए थे सबने, मैंने भी मिठाई दे के आई सबको, और ये काफ़ी अच्छा है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।